हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 जनवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ एमसीक्यू जो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर। तो देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर हमारे पार्लियामेंट में, हमारे बोल सकते संविधान में इस चीज़ का प्रावधान है कि आर्टिकल 102 है, उसका फर्स्ट है, उसके तहत ये है कि कोई भी एमपी एमएलए मतलब कोई भी सांसद या विधायक है वो किसी भी ऐसे पद पर नहीं रह सकता जिससे उसे वेतन मिल रहा हो या फिर कोई तरीके का अलाउंस वगैरह मिल रहा हो, इसी के साथ कोई प्रॉफिट वगैरह और फाइनेंशियल उस चीज़ पे नहीं, उस पोस्ट पे नहीं रह सकते। इसी के साथ संविधान के अनुच्छेद 191 फर्स्ट है और जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें भी इस चीज़ का प्रावधान है कि कोई भी एमपी एमएलए है वो कोई भी लाभ के पद पे नहीं रह सकता, अदरवाइज जो है डिस्क्वालीफाई है वो हो जाएगा। तो उसी को लेके अभी मेनली जो केस है वो दिल्ली विधानसभा का है। यहाँ पे एमएलए जो एमपी और एमएलए हैं यहाँ के, उनको एक्चुअली संसदीय सचिव को नियुक्त कर दिया गया था। तो इसकी वजह से फिर ये मामला ये एक्चुअली मतलब इलेक्शन कमीशन के पास गया, तो अभी इलेक्शन कमीशन ने इनको है मतलब डिस्क्वालीफाई घोषित डिस्क्वालीफाई वो कर दिया है। तो उसके मामले में देखो, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या। तो हमने यहाँ पे देखा इस चीज़ का क्लियर प्रावधान है एमपीज के लिए, मतलब सांसद होते हैं उनके लिए आर्टिकल 102 में प्रावधान किया हुआ है, और जो एमएलए होते हैं विधायक होते हैं उनके लिए आर्टिकल 191 में इस चीज़ का प्रावधान है कि कोई भी विधायक है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं रह सकता। तो अभी इनको कैबिनेट सचिव है मतलब सॉरी कैबिनेट सचिव नहीं, पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी है, पार्लियामेंट्री सचिव है वो नियुक्त कर दिया गया 20 को, तो उसको लेके विवाद है। तो देखो, इस चीज को लेके काफी विवाद है। एक तो मेन बात यह है कि ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट की क्लियर डेफिनेशन है, क्लियर डेफिनेशन वो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है वो होती है। बट हमारे लिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नया उभर सामने आता है, वो आता है कि कौन सी पोस्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होती है। तो चार पोस्ट वो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इन पर यूपीएससी को क्वेश्चन पूछ सकती है, चारों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसी के साथ गवर्नर, और इसी के साथ जो यूनियन और जो मतलब स्टेट होते हैं उनके जो मंत्री होते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इनकाउंट है वो नहीं होते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है क्योंकि ये चारों हैं, ये चारों एक्चुअली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वहाँ पर इमेज हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और कोई भी संघ या राज्य के जो मंत्री हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होते। ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी जो मुद्दा हुआ है कि संसदीय सचिव नियुक्त कर दिया गया था उस चीज़ को लेकर, अब देखो हम हमारे संविधान में इस चीज़ का भी क्लियर प्रावधान है कि कोई भी एमपी और एमएलए हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके चार कारण है मेनली। पहला यह है कि वो लाभ के पद पे अगर धारण, कोई भी लाभ का पद धारण करते हैं, जैसे कि अभी पार्लियामेंट्री जो सचिव है उसका पद धारण कर लिया था, तो इसलिए इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दूसरा रीज़न यह कि कोई दूसरे देश की नागरिकता सिटीजनशिप है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस कंडीशन में। तीसरा यह है कि वो अकुशलिया मतलब दिवालिया हो। और चौथा रीज़न यह है कि संसद और राज्यसभा के कोई कानून बनाया हो ऐसा और उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हो उस कंडीशन में, या फिर दिमागी रूप से सही नहीं हो उस कंडीशन में उन्हें अयोग्य वो घोषित किया जाता है। ये चार रीजन है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखने की कौन से रीजन की उन्हें को जो अयोग्य उन्हें घोषित किया जा सकता है एमपी और एमएलए को। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो मेनली आई है एसेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में। तो AIC एसेसिबल इंडिया कैंपेन है, यह मेनली डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा यह कैंपेन चलाया गया है। नेशनल लेवल पर फ्लेक्सी कैंपेन है। अब है क्या इस कैंपेन में, इस कैंपेन का मेन मोटो यह है कि जो भी दिव्यांग या जो भी डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो मिले, इसी के साथ उनको इंक्लूसिव सोसाइटी है उसको बनाने का मौका मिले और उनको सेफ और एक साथ डिग्निटी जो आप बोल सकते हो कि मतलब वो अपनी आजीविका वो काफ़ी ढंग से जी सके, अपनी लाइवहुड है उसको भी अच्छे तरीके से जी सके, उन्हें ऐसा नहीं हो कि भाई हम डिफरेंटली एबल हैं तो हमारे साथ एक से भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब उनको इक्वल मौका मिल सके। अगर उनको कहीं भी जैसे ट्रांसपोर्ट की बात हो या फिर किसी कंपनी में कहीं भी हो उनको माहौल वो अच्छा माहौल मिलना चाहिए, उस चीज़ को लेकर है। तो इसमें मेनली तीन पार्ट हैं, कौन से वो देख लेते हैं, मतलब किस किस तरीके से जो डिफरेंटेबल लोग हैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट वो मिल सकता है। एक तो आता है कि उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट हो वो क्रिएट किया जाए, मतलब बिल्ड अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, इसके साथ उनको ट्रांसपोर्ट की जो भी सर्विस होती है वहाँ पे उनको फैसिलिटी वो मिल सके। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो बसेज वगैरह होती है उनमें डिफरेंटेबल को चढ़ने वगैरह में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में मतलब ट्रांसपोर्ट है ऐसा होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताकि डिफरेंटेबल को कोई दिक्कत ना हो। तीसरा यह आता है कि जो इन्फॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसके अंतर्गत भी उन्हें एक्चुअली फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जैसे वेबसाइट वगैरह हो या कोई और भी चीज़ हुई टेक्निकल वगैरह तो उस चीज़ का वो फायदा वो नहीं उठा सके, मतलब हर चीज़ में उनको फायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि किसी चीज़ को उनको ऐसा लगे कि हम डिफरेंटली एबल है इसलिए हमें इस चीज़ का फायदा वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसी फीलिंग ना हो उनमें और उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट हो ताकि वो अपने आप को उनमें जो
आप बोल सकते हो कि उनमें साहस है वो बढ़ सके, इसके बाद उनके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ है वो भी हो सके, तो उन चीज़ों को फोकस करने के लिए AIC जो कैंपेन है, फ्लेक्सी प्रो कैंपेन है, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। तो थोड़ा इसके बारे में हम देख ले जो मेन पॉइंट है वो। इसी के तहत हमने एक बार आर्टिकल भी डिस्कस किया था, तो उसमें 20 साल गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हैं कि इस साल के एंड तक जो भी मेन मेन सिटीज़ में जो गवर्नमेंट के हेड जो मेन ऑफिसेस हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट 60 जो मेन सिटीज़ हैं इंडिया में, उनमें गवर्नमेंट के 25 मेन मेन ऑफिस हैं, उन 25 मेन ऑफिसों में गवर्नमेंट बिल्डिंगों में इस तरीके से कार्यक्रम या इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वो बूस्ट करेगी, ताकि वहाँ पे जो डिफरेंटली एबल या डिसेबल्ड जो लोग हैं वो आराम से उनका यूज हो कर सकें। और इसी के तहत जो कंटेक्स्ट एक्चुअली भी आया है कि जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं वो कई बार क्या वेबसाइट वगैरह को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो कई बार दिखाई नहीं देता या फिर उनके नेविगेशन का इशू रहता है, तो उस कंडीशन में उनके लिए एसेसबल वेबसाइट वो बनाई गई है, मतलब वो भी लोग हैं वेबसाइट को एक्सेस कर सकेंगे। बात यह है कि दिव्यांग लोग वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं कई बार, तो उनके लिए एक्सेसबल वेबसाइट वो बनाई है गवर्नमेंट ने 100 के आसपास, मतलब गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उन वेबसाइटों को इस तरीके से डिजाइन की है ताकि डिफरेंटली लोग हैं वो भी उनका यूज कर सके। तो ये तत्व कंटेक्स्ट तो हमने यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखो एक UPSC इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये पूछ सकती है कि जो कैंपेन चलाया गया है, मतलब AIC कैंपेन है, इसके बारे में कि है क्या। तो AIC कैंपेन है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, उसको आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग है, मतलब जो उसकी कंडीशन है UN की जो कन्वेंशन है, जो कन्वेंशन इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, और 2007 में इसे इंडिया ने साइन किया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इंडिया ने UNCRPD को 2007 में साइन किया था, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि मतलब डिफरेंटली एबल लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको राइट्स देने के लिए उसको इंडिया ने साइन किया हुआ है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में। तो देखो न्यूज़ ये है कि इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का 43वां मतलब 43वां मेंबर है वो बन चुका है, तो उसी मौके पे न्यूज़ आई है, तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नया पॉइंट सामने आता है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो आखिर है क्या। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हमारे लिए एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि केमिकल बायोलॉजिकल जो वेपन्स होते हैं उनके निर्माण के, मतलब केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के निर्माण में जो भी सब्सटेंस या जो भी इन पदार्थ वगैरह यूज होते हैं उनके निर्यात को, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, तो उसके लिए यह ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वो बनाया गया है, और यह 1985 में बनाया गया था, इंडिया का भी इसका रिसेंटली मेंबर बना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इंडिया इस बार वासनर एग्रीमेंट का भी, वासनर जो एग्रीमेंट था उसका भी इंडिया पार्ट वो बना था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी मेंबर बन चुका है, इसके साथ जो MTCR जो टेक है उसका भी इंडिया वो मेंबर है, मतलब इंडिया अभी तक केवल NSG का मेंबर नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, UPSC ये चीज़ पूछ सकती है घुमा फिरा के कि इंडिया किसका मेंबर है किसका नहीं, तो हमें ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली जितने भी सप्लायर ग्रुप है उनमें मेनली जो NSG है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसमें अभी इंडिया उसका मेंबर नहीं बन पाया, तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल पावर पोर्टल के बारे में। तो नेशनल पावर पोर्टल है इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। नेशनल पावर पोर्टल है वो मेनली पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसका है क्या, ये इसका मेनली काम ही है कि जो भी पावर रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उनको एक पोर्टल पर, मतलब एक तरीके से नेशनल पावर पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट है जिसपे सारा डाटा है वो रहेगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मतलब वेबसाइट है ये नेशनल पावर पोर्टल की, इसमें जो भी पावर से रिलेटेड जितना भी डाटा है, पावर टेलीकॉम वगैरह सारा, वो सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल करवा है, जैसे कि कोई भी फीडर सर्विस है उसके बारे में या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया में कहाँ कहाँ क्या है पावर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे रखी हुई, मतलब इसके अंदर पुट की हुई है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, इसकी नोडल एजेंसी उसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कि पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये हमें याद रखनी है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी है वो पावर सेक्टर के अंतर्गत आती है और वही नेशनल पावर पोर्टल को चला रही है, रेगुलेट कर रही है, तो वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या। ये एक तरीके से ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें पावर सेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, इसका फायदा यह होगा कि ऑनलाइन डाटा रहने से लोग हैं अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन देखनी है वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ टावर लगे हुए हैं पावर के रिलेटेड, कहाँ प्लांट है उस प्लांट की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कितना वहाँ पे उसका यूज हो रहा है, कौन सी एरिया में ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, ताकि कोई भी जैसे प्राइवेट कंपनी हो या इन्वेस्टर्स हो अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो देख सके कि हाँ इस एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह पे सारा कंटेनर उनको मिल जाएगा, इधर उधर भागने की उनको जरूरत नहीं होगी। तो उसी के तहत ये पोर्टल बनाया गया है, तो ये हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब आगे देखो आज इतनी न्यूज़ तो है नहीं, तो इसके साथ आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट वीक के एक्चुअली, उनको क्वेश्चन की फॉर्म कुछ सॉरी जो मतलब करंट अफेयर उनको क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को यहाँ पे करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो रिसेंटली एक कौन सा स्टेट है जिसने जो अनाथ लोग होते हैं उनके लिए आरक्षण की सुविधा है वो स्टार्ट की है, मतलब रिसेंटली ऑर्थम जो लोग होते हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन से स्टेट ने अलाउ की है, 1% उनको रिजर्वेशन वो दिया गया है। इंडिया में पहला ऐसा स्टेट है जिसने 1% रिजर्वेशन दिया है और पंच लोगों को, जो कि अनाथ लोगों को मेनली कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि राजस्थान है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है।
तो इसमें से जो आंसर है वो आपको पहले देता हूँ, इसका आंसर है वो है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखो आज हम ऐसे करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन फिर उसके बाद आंसर। अगर आपको कोई से क्वेश्चन का आंसर बताना हो तो एक बार होल्ड करके आप वीडियो को पॉज करके तो आप आंसर देख सकते हो, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हुआ है INSV तारिनी के बारे में। INSV तारिनी है क्या? तो INSV तारिनी है वो इंडियन नेवी सेलिंग एक वेसल है, जो कि इंडियन नेवी का एक तरीके से बोलता है शिप टाइप का है, मतलब एक तरीके का शिप है जिसे इंडियन नेवी ने इसी बार शामिल किया था, मतलब लास्ट 2017 में इसे इंडियन नेवी ने शामिल किया था। अब इसका है क्या, ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि INS भी तारिणी है वो एक्चुअली भी एक मिशन पे है, जिसमें इंडिया की 5 जो महिलाएं हैं मैन वो एक्चुअली पूरे इंडिया के, जो मतलब इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के चक्कर लगा रही है सी के थ्रू, तो इसलिए INS तारिणी न्यूज़ में रहता है। तो इसे नाविका सागर जो परिक्रमा मिशन है, जिसमें 5 जो मैन फीमेल महिलाएं, सारी महिलाएं इसमें इंक्लूड है, वो पूरे अर्थ के चक्कर लगाएंगी सी के रूट पे, तो वो इस भी इंक्लूड में था, अभी न्यूज़ में आया था, तो उस मिशन का एक अहम पार्ट है, क्योंकि जो नाविका सागर परिक्रमा मिशन है वो INS में जो सेलिंग वेसल है इसके ऊपर ही वो मिशन है वो कंप्लीट किया जा रहा है, मतलब इसी शिप से पूरे अर्थ के चक्कर है वो लगाया जा रहा है। अब चलते हैं हम आगे, अगले जो क्वेश्चन है वो है iCreate के बारे में। तो iCreate के बारे में देखो हमने डिस्कस किया था, तो ये आपको बता दूं कि iCreate है क्या। iCreate मेनली जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उनके लिए एक इकोसिस्टम है, यह मेनली जो भी इसराइल के प्रधानमंत्री इंडिया विजिट पर आए थे तो उनके उनके योगदान के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, ताकि इंडिया में टेक्नोलॉजी वगैरह उनका यूज़ कर सके, जो उनका यूज़ करके और इंडिया में जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अच्छा माहौल मिल सके, ताकि इंडिया में अच्छे तरीके से डेवलपमेंट ग्रोथ हो सके, उसके लिए iCreate है वो बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड को लेकर। तो आपको बताना है कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड वो किसके लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है परफॉर्मिंग आर्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है कि नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, और इसी के साथ आपको बताता हूँ कि इसका आंसर होगा परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स मेनली वो आर्ट होती हैं जिनमें कुछ परफॉर्म किया जाता है, मतलब फिजिकली कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जिस तरीके से आप बोलते हो कि डांस हुआ या फिर गाना गाना हुआ, मतलब जिसमें कुछ परफॉर्म कर रहे हो आप उनको बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। और नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स वो होती हैं जिनमें आप कोई परफॉर्म नहीं करते हो, जैसे कि पेंटिंग है उसमें कोई परफॉर्म नहीं करना होता, वो केवल आप बैठ के बना सकते हो, मतलब आप समझ गए होंगे इन चीज़ों का। परफॉर्मिंग का मतलब आप कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप अपनी आप कुछ दिखा रहे हो कि हाँ इस तरीके से आपका टैलेंट है वो। नॉन परफॉर्मिंग एक तरीके से टैलेंट ही शो हो जाता है, बट उसमें एक्चुअली परफॉर्म नहीं करता, मतलब एक तरीके से आपको पेंटिंग वगैरह वो बना के दिखाई जाती है, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग। तो आप ध्यान रखना कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है वो मेनली परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए दिया जाता है, जो कि कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, तो ये हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसके साथ जो संगीत नाटक अकेडमी है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे, अगली न्यूज़ जो है स्मार्ट सिटी की रैंकिंग के बारे में है। तो स्मार्ट सिटी की रैंकिंग है वो मेनली दी जाती है अभी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी इसका सर्वे हुआ आया था, तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग है उसमें ये जो दिया जाता है वो दिया जाता है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब स्मार्ट सिटी की जो रैंकिंग है वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की जाती है, और इसमें इस साल सूरत को फर्स्ट रैंकिंग है वो दी गई है, तो इसलिए यह न्यूज़ में है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जाते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो मेनली है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट को लेके। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट को लेके आपको दो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि यह एक एनुअल इवेंट है जो कि हर साल अबू धाबी में आयोजित होता है। दूसरा यह है कि एनर्जी एफिशिएंटली एंड क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ग्रुप है। तो जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनुअल सबमिट है और हर साल ये इस साल ये अबू धाबी में आयोजित किया गया है, तो हमें ध्यान रखना है। और कई बार देखो UPSC कितनी चालाकी से खेलते हैं, यहाँ पे बाई लेटर मतलब बात देखिए कि बाई लेटर हो गया, तो हमें ध्यान रखना है कि नहीं हर साल आयोजित होता है, ऐसा नहीं कि एक साल छोड़ गए एक साल वगैरह, ऐसा कुछ है नहीं। तो अब आपको ये बताना कि प्रवासी भारतीय दिवस है वो किस तरीके से आयोजित होता है, क्या एनुअली आयोजित होता है या फिर 2 साल से 3 साल से 1 साल, तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है वो मेनली एक सेकेंड अगला क्वेश्चन है वो ग्लोबल फॉर्म को लेके है, 10th ग्लोबल फॉर्म फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में है। तो आपको इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह मेनली इंटरनेशनल ग्रीन वीक के दौरान आयोजित किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल जो ग्रीन वीक है जैसे कि बर्लिन वीक के नाम से भी जाना जाता है, उस दौरान यह आयोजित किया जाता है ग्लोबल फॉर्म फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। और दूसरा इसका काम दिया गया है कि जो ग्लोबल फॉर्म फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है वो मेनली एग्रीकल्चर और जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करना है, मतलब जो खाद्य वस्तुएं होती हैं जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होती हैं उनको इसके लिए प्रमोट करने के लिए यहाँ पे रखा गया है कि उसको जो है प्रमोट करने के लिए वीक आयोजित किया जाता है। इसमें डिफरेंट कंट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं तथा जो भी चर्चा वगैरह की जाती है उनको प्रमोट करने के लिए नए नए मेथड्स हैं उन पर फोकस किया जाता है। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट ये है कि इसकी थीम के बारे में, कि इसकी थीम क्या है इस बार की। थीम है वो है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ
लाइव स्टॉक सस्टेनेबली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंटली। तो ये इसकी थीम है, हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो थीम पे यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन से पूछ लेती है। कई बार तो ऐसा होता है कि थीम से हमें पता चल जाता है कि ये थीम इसकी है, बट कुछ थीम्स ऐसी होते हैं जिनमें नाम वगैरह कुछ ऐसा आता नहीं है, तो हमें पता नहीं चल पाता उनका कि किससे रिलेटेड है। तो इस यहाँ पे थीम में कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि मतलब एग्रीकल्चर के लिए थीम वगैरह है, फिर किसी और इवेंट वगैरह। तो ऐसी थीम्स हम थोड़े हमें यहाँ पर नोट डाउन करके रखनी होती हैं। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।